बजरंग बली की श्रद्धा से हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। संकट मोचन बजरंग बली के भक्त कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजस्थान राज्य में पाली जिला प्यारा, इसी जिले में एक रामगढ़ कस्बा है न्यारा। महाबली बजरंग बली का धाम सुहाता है, लाल ध्वजा लहराती सबके मन को भाता है। चमत्कार बजरंग बली के कलयुग में भारी, सदा रामगढ़ बालाजी तो है मंगलकारी। अपने भक्तों के बालाजी दुख दर्द मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की बली, बजरंग बली करना भक्तों की बली। फतेह गिरी जी बालाजी की पूजा करते हैं, सेवक बनकर इस दुनिया में निर्भय रहते हैं। सांझ सवेरे बालाजी का ध्यान लगाते हैं, दीन दुखी को वे जीने की राह दिखाते हैं। फतेह गिरी जी का कस्बे से नाता पुराना है, पुनर्जन्म है इस धरती पर सबने जाना है। अब पुनर्जन्म का हम पूरा इतिहास बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की बली, बजरंग बली करना भक्तों की बली। रावत राजपूत कुल दीपक बालक एक प्यारा, देवी सिंह नाम से जिसको जाने जग सारा। माता और पिता बालक को लाड लड़ाते हैं, छोटे से बालक के सारे नाज उठाते हैं। तेज बुद्धि का बालक सबके मन को भाता है, बड़ा बहादुर नहीं किसी से वो घबराता है। फिर एक एक करके देखो दिन बीते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी
गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। गुरुकुल में शिक्षा पाने को बालक जाता है, विद्यालय में होशियार सबसे कहलाता है। कक्षा 3 पास करके फिर गुरुकुल छोड़ दिया, सेना में भर्ती होने का निश्चय एक किया। माता पिता सोचे बालक तो हुआ सयाना है, किशोर अवस्था अब तो घर भी बसाना है। बड़ कोचरा गाँव में पिता सगाई करके आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। बजरंग बली, करना भक्तों की भली। से देवी सिंह की शादी होती है, गाजे बाजे बजते सखियां मंगल गाती है। पन्नी देवी नाम की पत्नी पतिव्रता नारी, लक्ष्मी आई घर की रंगत बदल गई सारी। मिले नौकरी देवी सिंह जी कोशिश करते हैं, सेना के आला अफसर से विनती करते हैं। सेना में देवी सिंह जी तो भर्ती हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। बजरंग बली, करना भक्तों की भली। देश प्रेम का जज्बा दिल में सैनिक सच्चे थे, वर्दी में श्री देवी सिंह जी लगते अच्छे थे। विश्व युद्ध की हुई लड़ाई लड़ने जाते हैं, जंग में दुश्मन को चुन चुन कर मार गिराते हैं। अफ्रीका और काबुल में ये युद्ध हुआ भारी, विजय पताका भारत की सेना है फहराती। फिर जंग जीत कर देवी सिंह जी वापस आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली।
पुत्र देवी सिंह जी के होनहार होवे। पूरन सिंह तो बड़े पुत्र का नाम है कहलावे। दूजा पुत्र हरारी सिंह भी वीर और बलवान। लाल सिंह जी सबसे छोटे सुंदर और गुणवान। तीनों पुत्रों को देवी सिंह खूब पढ़ाते हैं। जीवन के पथ पर तीनों ही बढ़ते जाते हैं। पढ़ लिख कर पूरन सिंह जी तो शिक्षक बन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। सिंह अच्छी सेवा से ऊंचा पद पाते। सैनिक से अब देवी सिंह जी हवालदार कहलाते। अच्छा था परिवार सभी कुछ ठीक ठाक चलता। खेती बाड़ी का सपना भी नैनों में फलता। भारत भूमि की सेवा में तन मन सौंप दिया। सन 1921 तक ही सेवा कार्य किया। सेवानिवृत्त हो देवी सिंह जी गांव में आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। घर है बनवाया। फौजी बक्सा अपने घर के अंदर रखवाया। कुछ अरसे के बाद में देखो विपदा आती है। देवी सिंह जी की पत्नी तो स्वर्ग सिधाती है। धक्का दिल को लगा समझ में कुछ भी नहीं आया। खेड़ा गांव से फिर शादी का संदेश आया। जुम्मी देवी से देखो दूजा ब्याह रचाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। दर्रे पर जीवन की गाड़ी फिर से आती है। पंचायत और खेती बाड़ी मन को भाती है। गांव में देवा हवलदार सब लोग बुलाते थे। आस पास के लोग प्रेम से मिलने आते थे। दूध दही की कमी नहीं थी। गाय भैंस रखते
रात्रि जागरण तेजा जी का सालों साल करते। चौपाल में हुक्का चिलम चढ़ाकर वक्त बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। सफेद कुर्ता सफेद धोती सफेद साफा था, देवी सिंह जी का जीवन बस सीधा सादा था। पड़ा अकाल गांव में भारी, ब्यावर जाते हैं, गांव के खातिर सरकारी इमदाद मंगाते हैं। नेहरू जी को भी अकाल से अवगत करवाते, सारे लोगों के खाने को अनाज मंगवाते। समझौता आपस में करवा झगड़े सुलझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। होली का डांडा जंगल में लेने जाते हैं, पाँव फिसलता देवी सिंह जी तो गिर जाते हैं। घायल होकर फिर बीमार वो रहने लगते हैं, तीनों बेटे बड़ी लगन से सेवा करते हैं। चुम्मी देवी अपने पति के पास ही रहती थी, अपने पति के स्वास्थ्य लाभ की कामना करती थी। ताड़म के पेड़ के नीचे देवी सिंह जी सोते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। एक दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ी, जी भी घबराया। करण सिंह जी की औरत को तब है बुलवाया, सेब हाथ में देकर बोले तेरे गर्भ आऊं, अगले जन्म में काकू भाई का बेटा कहलाऊं। 1 नवंबर 1968 का वो दिन था, देवी सिंह जी करते अंतिम घड़ियों की गिनना। फिर देवी सिंह जी देह त्याग पर लोक सिधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, जय
पिता खूबई नौ मास बाद में पुत्र रतन पावे। गो जुलाई गुण सितर का शुभ दिन वो कहलावे। काला एक निशान हाथ पर बालक के होता, उसी जगह पर देवी सिंह जी के निशान भी था। थाली बजती घर के सारे खुशियां मनाते हैं, फतेह सिंह अपने बालक का नाम धराते हैं। दो साल बाद में फतेह सिंह बोलने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। बड़ों का बालक सबको बुलाता है, किसी बात पर अपनी माँ की डांट बिखाता है। तीन बरस के बालक को माँ नहलाने जाती, सारे वस्त्र उतारे नंगा करके नहलाती। बालक बोला, क्यों मुझको तुम नंगा करती हो, ससुर तुम्हारा हूँ मैं, क्यों ना घूंघट रखती हो। घर वाले बालक की बातें सुनकर घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। करण सिंह जी ने पूछा, क्या नाम तुम्हारा है, कितने बेटे थे पहले, तू कौन हमारा है। हवलदार देवी सिंह हूँ मैं, पिता तुम्हारा हूँ, पुनर्जन्म है मेरा, जग में आया दोबारा हूँ। पुनर्जन्म की बालक सारी बात बताता है, फौजी बक्से में क्या है ये राज बताता है। जुम्मी देवी को भी एकांत की बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेह गिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। बचपन में ही पत्तू एक दिन खेत में जाता है, टूटी फूटी एक चिलम वो खेत में पाता है। बालक बोला, इसी चिलम को मैं तो पीता था, सट्टा लगा कर ब्यावर में और चैन से जीता था। ब्यावर के सब गली मोहल्ले बालक पहचाने,
पूर्व जन्म के सब मित्रों को नाम से है जाने। ये देख अचंबा देखो सारे लोग जताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। सच्ची बातें जान सभी फिर आदर देते हैं, पुनर्जन्म का बड़ा अनोखा अनुभव लेते हैं। दादी जो लगती थी वो भी पर्दा करती है, जुम्मी देवी भी पति मान कर बातें करती है। 18 वर्षों की अवस्था 90 में होवे, उसी साल में जुम्मी देवी का स्वर्गवास होवे। तब 10वीं कक्षा फतेह सिंह जी पास कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली। मई 1986 को शादी करते, ITI की ट्रेनिंग देखो फतेह सिंह करते। पत्नी नाम नर्मदा भाटी साथ निभाती है, पुत्र रतन देकर वो उनका वंश बढ़ाती है। 3 पुत्र के पिता फतेह सिंह अब तो कहलाते, बड़ा जितेंद्र फिर धर्मेंद्र नाम कहते हैं। वीरेंद्र सिंह तो लाड कुंवर छोटे कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, बजरंग बली करना भक्तों की भली। सन 1991 में चमत्कार होता, फतेह सिंह जी का मन देखो वैरागी होता। बालाजी की सेवा में फिर ध्यान लगाते हैं, फतेह सिंह से फतेहगिरी जी वो बन जाते हैं। खड़ी तपस्या बालाजी की फतेहगिरी करते, ध्यान हमेशा हनुमान का तन मन से धरते। इस घटना से पहले का किस्सा और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली करना भक्तों की भली, जय जय
दस विपास करने के बाद फिर खेती करते हैं, मंगल शनि को बालाजी की पूजा करते हैं। परतापपुरा से बैलगाड़ी ले एक बार आते, अनाज अपनी बैलगाड़ी में भर कर है लाते। बीच राह में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, याद आया फिर मंगलवार का नियम है टूट गया। बैलों को प्रतापपुरा में छोड़ कर पैदल आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। क्षमा मांग कर मंदिर में फिर पूजा करते हैं, सपने में फिर बालाजी के दर्शन करते हैं। बालाजी ने सेवा पूजा का आदेश दिया, पीपल के नीचे तब से ही आसन लगा लिया। रोज रात को काले मुंह का बंदर आता है, फतेहगिरी जी की चादर को खींच ले जाता है। क्या है बालाजी की लीला ये समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। बजरंग बली, करना भक्तों की भली। चातुर्मास में खड़ी तपस्या फतेहगिरी करते, बड़ा भयंकर तूफान आया फिर भी नहीं डरते। हुई तपस्या पूरी तुम्हारी आवाज आती है, मीठी वाणी बालाजी की मन को भाती है। अपने घर जा सकते हो ये बालाजी कहते, कष्ट कोई ना होगा तुमको अब मेरे रहते। पीपल की पूजा कर भंडारा बड़ा कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। बजरंग बली, करना भक्तों की भली। मास दिसंबर सन 1991 प्यारा, 10 तारीख का शुभ दिन था और मंगलवार न्यारा। बालाजी की स्थापना उस दिन सुबह होवे, जय जयकारा बालाजी का चारों ओर होवे। फतेहगिरी जी तब से ही नित पूजा करते हैं,
बालाजी की सेवा में ही मगन वो रहते हैं। दर्शन करने को दूर दूर से लोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। नवरात्रि में रामायण का पाठ यहाँ होता, काले मुँह का बंदर देखो सुनने को आता। काग देवता रामायण पर आकर बैठे हैं, काग भुसिंडी जी हैं सारे जानकार कहते। रोज आरती होती है तो कुत्ते हैं आते, अपना मुंह ऊंचा करके वो सारे चिल्लाते। ऐसा लगता है जैसे मिलकर आरती गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। मोर मोरनी सर्प नेवला साथ में रहते हैं, जो भी आता उनके सारे संकट कटते हैं। व्यसन छोड़कर इस मंदिर में कई लोग जाते, लकवे जैसी बीमारी से निजात भी पाते। भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति जो भी आता है, बालाजी के दर्शन से ही मुक्ति पाता है। यह पांच औरतों की बालाजी गोद भराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। बजरंग बली, करना भक्तों की भली। मंगलवार को बालाजी का मेला लगता है, भक्तों से बालाजी का दरबार ये सजता है। राम भक्त बजरंग बली की लीला न्यारी है, दर्शन करने श्रद्धा से आते नर नारी है। फतेहगिरी जी दीन दुखी के कष्ट मिटाते हैं, सांझ सवेरे बालाजी की आरती गाते हैं। दुनिया में रामगढ़ बालाजी से जाने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। Yeah.
आती जब हनुमान जयंती उत्सव होता है। भजन कीर्तन बालाजी का रात में होता है। धाम रामगढ़ बालाजी का कलयुग में सच्चा, हमें यहाँ पर आकर देखो लगता है अच्छा। मनवांछित फल बालाजी तो सबको देते हैं, अपने भक्तों के पल भर में दुख हर लेते हैं। है दास अशोक शरण में सादर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान भक्त श्री फतेहगिरी जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली। जय जय बजरंग बली, करना भक्तों की भली।